Assalamu alaikum. This is Umaima Shakur from JLIMS University. So our course title is Heat and Thermodynamics. Course code is 204. हम पहले दो लेक्चर ले चुके हैं इस सब्जेक्ट के हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स के. आज हमारा थर्ड लेक्चर है. तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन कर लेते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे, उनमें हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसे, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे. तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हमने तीन बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं. और मैटर के बारे में हमने डिस्कस किया था डिटेल से कि हमारे पास मैटर कितनी तरह के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं. इसके साथ साथ हमने देखा था कि आइडियल गैस और रियल गैसेस, हमारे पास कौन सी गैसेस होती हैं, इन दोनों में हमने डिफरेंस भी देखा था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है आइडियल गैस में और रियल गैसेस में. इसी के साथ साथ हमने गैसियस लॉस डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास बॉयल्स लॉ था, एवोगैड्रोस लॉ था, हमारे पास चार्ल्स लॉ था. ये तीनों लॉज हमने डिस्कस किए थे. उसके बाद हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, हमने उन्हें डिस्कस किया था. तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन फ्री पाथ. अब मीन फ्री पाथ क्या होता है, इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से समझेंगे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हमारा जो पिछला टॉपिक है उन्हीं से रिलेटेड है. मीन फ्री पाथ हमें तब समझ आएगा जब हमें पिछले जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, वो हमें समझ आएंगे. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, रैंडमली, इसको हमने नाम दिया था ब्रोनियन मोशन का. तो उसमें हमने कहा था कि अगर ये, जिस तरह लेट अस कंसीडर, ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, जिस तरफ भी ये अपनी मूवमेंट को मूवमेंट कर रहा है ये मॉलिक्यूल, तो इसको जो हमने नाम दिया था वो ब्रोनियन मोशन का दिया था कि रैंडमली मूव कर रहा है, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है. अगर सामने कोई मॉलिक्यूल क्लाइड कर लेगा तो हो सकता है वो इस तरफ चला जाए, हो सकता है वो इस तरफ वापस आ जाए, हो सकता है वो इस तरफ चला जाए, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है उसकी. तो उसको हमने ब्रोनियन मोशन का नाम दिया था. उसकी एग्जांपल हमने कंसीडर की थी कि जो सिगरेट का धुआं होता है उसकी जो मूवमेंट है, उस जिस तरह वो ऊपर की तरफ जाता है, वो ब्रोनियन मोशन को हम कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है मीन फ्री पाथ में, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये सपोज करेंगे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल जो है वो गैस में मूव कर रहा है जिगजैग पाथ. अब ये जो जिगजैग पाथ है ये यही है रैंडमली जो मूव कर रहा है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तीसरे पॉइंट तक, जिस तरह रैंडमली मूव कर रहा है, ये है हमारा जिगजैग पाथ. तो हम जिगजैग पाथ कंसिडर कर रहे हैं. दिस मॉलिक्यूल, यही मॉलिक्यूल जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं, Also colliding with the other molecule, मतलब ये collide कर रहा है दूसरे molecules के साथ भी. कैसे? ये let us consider कि ये हमारे पास कोई gas container है जिसमें gas filled है. अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे molecules हैं. इन molecules में से मैं example ले लेती हूँ किसी भी एक molecule की, मतलब मैं consider कर लेती हूँ यहाँ पर कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ और उसकी क्लाइडिंग को कंसीडर करते हैं हम कि वो किस तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल से क्लाइड करेगा. लेट अस कंसीडर के ये वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसे मैं नाम देती हूँ मॉलिक्यूल वन का. अब ये जो मॉलिक्यूल है इसकी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं. पहले ये स्ट्रेट मूव कर रहा है इसकी तरफ. जब इसने देख लिया कि आगे मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल आ गया है, तो हो सकता है ये इस तरफ मूव करना शुरू कर दे. अगर यहाँ पर इस मॉलिक्यूल से ये क्लाइड करेगा तो हो सकता है ये मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करना शुरू कर दे, फिर आगे कोई मॉलिक्यूल आ गया है, फिर क्लाइन से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो इस तरह ये मॉलिक्यूल क्लाइड करता रहेगा. अब इस क्लाइन में आप देखें, इस पूरी क्लाइन में जो पाथ है वो एक से दूसरे मॉलिक्यूल तक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है. ऐसा नहीं है कि इसने इस तरीके से मूव करके फिर दूसरे मॉलिक्यूल तक गया हो. तो ये जो स्ट्रेट पाथ है हमारे पास, इसी को मेजर हम करते हैं, इसी को मेन फ्री पाथ कहते हैं हम. मेजरिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है हमारे पास,
ऑफ आवर चूजन मॉलिक्यूल, हमने ये वाला मॉलिक्यूल चूज किया था, इसका जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, एंड देन फाइंड इट्स एवरेज वैल्यू। मतलब यहाँ पर देखा हमने एक से दूसरे पर गया, दूसरे से तीसरे पर गया, तीसरे से चौथे पर, चौथे से पांचवें पर, तो यहाँ पे जो इसने स्ट्रेट लाइन में इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है उस सबका हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो वहां से जो हमें आंसर मिलेगा उसे हम कहेंगे मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को किस वर्ड से डिनोट करते हैं, लैम्डा के वर्ड से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो लैम्डा है ये रिप्रेजेंट करता है मीन फ्री पाथ को। तो कलयन अगर ओनली, जब भी हम कलयन की बात करते हैं तो कलयन कब होती है, अगर ओनली व्हेन सेंटर्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स कम विद इन अ डिस्टेंस डी, जब वो डिस्टेंस डी को ओवरकम कर लेते हैं तब वहां पर कलयन होती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और ये मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट से इसके अपर से बॉटम तक, इसको मैं नाम दे देती हूँ डी वन का। अब यहाँ से ये वाला जो है इसे मैं नाम दे देती हूँ डी टू का। अब ये दोनों मॉलिक्यूल कब क्लाइट करेंगे, डी वन का मैं सेंटर लेती हूँ ये वाला पॉइंट, डी टू का सेंटर लेती हूँ ये वाला पॉइंट, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है डी। ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कब क्लाइट करेंगे, जब ये इस डिस्टेंस को ओवरकम कर लेंगे, इस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों का, ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, तब ये आपस में एक दूसरे से क्लाइट करना शुरू हो जाएंगे, क्लयन स्टार्ट हो जाएगी। If we consider the two molecules, अगर हम दो मॉलिक्यूल को कंसिडर करें, ईच ऑफ द डिस्टेंस इज डी, ये जो मैंने यहाँ पर इन्हीं को हम ले लेते हैं, ये मॉलिक्यूल वन है, इस मॉलिक्यूल को नाम दे देती हूँ टू का। ये कह रहा है कि अगर हर एक का डिस्टेंस आपके पास डी हो जाए, देन देयर इक्विवेलेंट डिस्क्रिप्शन, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, डी वन लिया है और ये डी टू लिया है। यहाँ पर हम किस पॉइंट को ले रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका भी डिस्टेंस डी है और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका भी डिस्टेंस जो है वो डी है। तो सॉरी ये डायमीटर है वर्ड, ये गलत हो गया मुझसे, ये डायमीटर है वर्ड। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस है। ये जो हमने ये वाला लिया था ना ऊपर, जो हमने बात की है वो डिस्टेंस है, लेकिन जो अब हम बात कर रहे हैं वो डायमीटर है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ये जो यहाँ पर हमने लिया है, जब हमने मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल ली है, तो ये वाला जो है ये डिस्टेंस है और जो ये वाला है ये डायमीटर है डी वन और डी टू। और नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि अगर हम दो मॉलिक्यूल्स लें जिनका डायमीटर, इसका भी डी कंसिडर कर लें, इसका भी डी कंसिडर कर लें, तो उन दोनों जो मॉलिक्यूल्स होगी उसकी डिस्क्रिप्शन को अलग अलग बताने की बजाय हम एक ऐसे मॉलिक्यूल के डिस्क्रिप्शन से उसे बता सकते हैं जिसका जो डायमीटर है वो 2D हो। मतलब वो दोनों मॉलिक्यूल जो हम इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे थे, वो उन दोनों के डिस्क्रिप्शन को हम किसी ऐसे मॉलिक्यूल से भी बता सकते हैं जिसका डायमीटर हमारे पास 2D हो, क्योंकि वो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, डी प्लस डी तो हमारे पास 2D आ जाएगा। तो लेट दिस मॉलिक्यूल ऑफ डायमीटर 2D, डायमीटर हमारे पास 2D हो, स्वीप्स आउट इन अ सिलेंडर। अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास ना एक सिलेंडर है, ये मैं एक सिलेंडर ले रही हूँ, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में ये जो मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है 2 डायमीटर वाला, ये मूव कर रहा है किसी भी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, यहाँ तक ये मूव कर रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पर इसे पूरा कंसीडर करने के बजाय मैं यहाँ पर एक बॉक्स ले लेती हूँ, इसे मैं नाम दे देती हूँ बी का। अब इस सिलेंडर के अंदर भी, ये जो सिलेंडर है इसे मैं नाम दे रही हूँ सी का, इस सिलेंडर के अंदर भी हमारे पास बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो मॉलिक्यूल है 2 डायमीटर वाला, इसको मैं कहती हूँ कि हमने एक बॉक्स के अंदर से ऑब्जर्व किया है और ये जो मॉलिक्यूल है बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, ये वो वाला मॉलिक्यूल है जो हम कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बॉक्स के बाहर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, बाहर भी यहाँ पर मॉलिक्यूल है इस सिलेंडर में। विद इन दिस सिलेंडर वी विल चूज अ बॉक्स, हम एक बॉक्स चूज करेंगे
और इस केस को कंसीडर करेंगे कि हमारा ये जो मॉलिक्यूल है जो हमने कंसीडर किया है वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है बॉक्स के अंदर, और इसने मैनी टाइम्स कलाइन की है दूसरे पार्टिकल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो इस बॉक्स के अंदर हैं, और हम इस मॉलिक्यूल का मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करते हैं, जबकि ये बॉक्स जिसके अंदर हमने लिया है कंसीडर किया है जिस सिलेंडर के अंदर उसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। तो अब हम क्या कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट करते हैं कि जो हमने सिलेंडर लिया था इसका एरिया क्या होता है हमारे पास, A इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर, डी इज द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर। अब ये जो A है ये हमारे पास एरिया है उस सिलेंडर का जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब जो मॉलिक्यूल है सिलेंडर के अंदर जो हमने बॉक्स लिया है उसमें जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है उसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम रफली ले लेते हैं S इज इक्वल टू वी टी। अब ये एल सी बाय एल क्या है, क्योंकि अलोंग द लेंथ मतलब सिलेंडर के अलोंग द लेंथ मूव किया है वो पार्टिकल, तो इसलिए हमने एल सी एल बाय एल ले लिया। ये जो एल सी बाय एल है ये रिप्रेजेंट करता है सिलेंडर की लेंथ को, के लेंथ के अलोंग उसने डिस्टेंस कवर किया है, और ये हमने सिंपल जो हमारे पास फार्मूला होता है S इज इक्वल टू वी टी वाला हमने उसी फार्मूले से इसे लिख दिया है S इज इक्वल टू वी टी और L सिलेंडर का नाम दे दिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर फाइंड आउट कर रहे हैं हम, अभी हम वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स फाइंड आउट नहीं कर रहे, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मतलब एरिया हमने ऊपर देख लिया पाई डी स्क्वायर है हमारे पास, तो लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगा, यही जो हमने ऊपर कंसीडर किया है एल सी बाय एल, एल सिलेंडर आ जाएगा हमारे पास। ये आपने एरिया की जगह वैल्यू पुट कर दी इसकी, एल सिलेंडर की जगह भी इसकी वैल्यू पुट कर दें जो आपने ऊपर इक्वेशन टू में फाइंड आउट की है। तो हमने यहाँ पर ये देखें टू वाली जो इक्वेशन है उसे पुट कर दिया है फाइव के अंदर, यहाँ से इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी इक्वेशन सिक्स। जस्ट आपने क्या किया एल सिलेंडर की ये वैल्यू पुट कर दी। अब आपने कंसीडर करना है कि हमने पूरे सिलेंडर में एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, n number of जो molecules हैं वो हम consider कर रहे हैं उस box के अंदर जो हमने cylinder के अंदर लिया था। ये जो box था जिसमें हमने कहा था एक molecule है two diameter, जिसका diameter जो है वो two diameter है, उसकी जो mean free path है हम find out कर रहे हैं, वो many times दूसरे molecule से collide कर रहा है, तो ये जिन molecule से collide कर रहा है ये molecule हम कह देते हैं कि वो n number है, n number of molecules है in the box, box के अंदर। और सिलेंडर जी फिर हमने कहा था कि ये जो केस है ये हम सिलेंडर के अंदर ले रहे हैं, तो ये जो सिलेंडर है हमारे पास इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे इन्हें हम नाम दे रहे हैं एन सिलेंडर का, सी वाई एल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दी सिलेंडर। तो अब हमने देख लिया कि नंबर ऑफ हमारे पास बॉक्स में भी उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से, और अगर हम सिलेंडर की बात करेंगे तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन सी वाई एल से। तो ये एन जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें बताएंगे, ये हमने देख लिया, एन भी देख लिया हमने, एन सिलेंडर भी देख लिया। अब ये जो वी है हमारे पास जब हम सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम लिखेंगे वी सी वाई एल, लेकिन जब हम बॉक्स के वॉल्यूम की बात करेंगे तो सिंपल हम उसे V मेंशन कर देते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस शो हो जाए। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिलेंडर में हमने फाइंड आउट करने हो उसका फार्मूला हमारे पास होता है N सिलेंडर इज इक्वल टू N, ये N क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ बॉक्स है हमारे पास, तो दिस वन विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, रेशियो ऑफ वॉल्यूम से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ज्यादा है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कम है हमारे पास, तो V सिलेंडर डिवाइडेड बाय V आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर आपने जो V सिलेंडर है ये फाइंड आउट किया हुआ है ऊपर इक्वेशन सिक्स में, तो V सिलेंडर की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दें वो आपके पास आ जाएगी पाई डी स्क्वायर वी टी, सेम यही इक्वेशन है जो आपने ये इक्वेशन सिक्स फाइंड आउट की है, इसी इक्वेशन को सिंपल आपने पुट कर दिया है इस इक्वेशन सेवन के अंदर, तो आपको मिल गई है ये इक्वेशन एट। बाकी देखें ये जो वॉल्यूम लिखा हुआ है ये भी एज इट इज लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ बॉक्स हमें नहीं मालूम तो हमने उसे एन ही कंसीडर करके एज इट इज लिखा है इस इक्वेशन
एट के अंदर। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए सिलेंडर में, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सिलेंडर हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमने क्योंकि मीन फ्री पाथ फाइंड आउट करना था, तो मीन फ्री पाथ का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एल सिलेंडर। एल सिलेंडर मतलब टोटल जो लेंथ है सिलेंडर की वो हमने कंसीडर की है जिसके अलोंग पार्टिकल मूव किया था। एन सिलेंडर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सिलेंडर, तो हमने एन सिलेंडर की वैल्यू भी फाइंड आउट की हुई है, एल सिलेंडर की वैल्यू भी फाइंड आउट की हुई है। तो पिछली जो इक्वेशंस आपने इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट की हुई हैं, उसे आप इक्वेशन 9 में पुट कर दें। इक्वेशन 9 में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन 10 मिल जाएगी, जिसमें आपने देखा था पीछे कि आपने एल सिलेंडर की वैल्यू फाइंड आउट की थी वी टी, और आपने n सिलेंडर की वैल्यू फाइंड आउट की थी n पाई डी स्क्वायर वी टी डिवाइडेड बाय कैपिटल V। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आपने ख्याल रखना है, एक और बात का, वो ये कि आपने ये जो V है और ये V है, ये दोनों सेम चीजें हैं, मतलब ये वेलोसिटी है पार्टिकल की, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो V लिखा हुआ है ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स का वॉल्यूम है ये हमने पीछे जो लिया था वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ये मैंने लिखा हुआ है पीछे, मेंशन किया हुआ है, ये वो वॉल्यूम है। तो ये जो हमने, ये जो मैंने v इस तरह लिखा हुआ है ये वेलोसिटी है हर जगह, और ये जो v मैंने इस तरह लिखा हुआ है ये वॉल्यूम है हर जगह। तो आपने इस इक्वेशन में जब 9 में वैल्यूज पुट कर दी, आपके पास इक्वेशन 10 मिल गई। अब इक्वेशन 10 को सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये जो वॉल्यूम है ये ऊपर जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो वी टी है ये दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ये इक्वेशन 12, जिसमें आपके पास बच रहा है लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एन पाई डी स्क्वायर, ये आपको इक्वेशन 12 मिल गई। अब हमने क्या पढ़ा था पीछे कि जब हम आइडियल गैस कंसीडर करते हैं तो हम आइडियल गैस लॉ भी पढ़ते हैं वहां पर। तो जो आइडियल गैस लॉ है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग पी वी इज इक्वल टू एन के टी होता है हमारे पास, या एन आर टी होता है, जब हम आर को रिप्लेस करते हैं तो हमें के मिलता है। तो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो पी वी इज इक्वल टू एन के टी है। इक्वेशन 12 में हमने देखा है कि हमारे पास वैल्यू है v बाय n मिल रहा है हमें, डायमीटर मॉलिक्यूल का कांस्टेंट है, पाई भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम v बाय n की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं इस आइडियल गैस लॉ से जो हमने इक्वेशन 13 में लिखा हुआ है। तो v बाय n जो है आपके पास आ जाएगा k t डिवाइडेड बाय p, जो इक्वेशन 14 में लिखा हुआ है। तो इसी जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है इक्वेशन 14 में, इस वैल्यू को आप पुट कर दें, v बाय n की वैल्यू को इस इक्वेशन 12 के अंदर जिसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो v बाय n आपका आया है k t डिवाइडेड बाय p के इक्वल। तो यहाँ पर हमने देखें k t और ये p लिख दिया इस इक्वेशन में, इक्वेशन 15 में। तो ये पाई डी स्क्वायर आपका एज इट इज ही आ गया, जो इक्वेशन 12 में था ये यहाँ पर एज इट इज आ गया। लेकिन ये जो मीन फ्री पाथ है, ये आपने बात ख्याल में रखनी है, ये जो मीन फ्री पाथ है हमारे पास, ये तब हमारे पास है जब हमारे पास टारगेट जो है वो स्टेशनरी है। मतलब जो हमने केस लिया है कि टू डायमीटर वाला मॉलिक्यूल है ये बॉक्स के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल से स्ट्राइक कर रहा है, ये जो मीन फ्री पाथ है ये तब है जब हमारा ये वाला जो पार्टिकल होगा, मॉलिक्यूल होगा, ये रेस्ट में होगा। अगर लेकिन हम क्या कह रहे हैं, रेस्ट के लिए तो चले हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम कंसिडर करते हैं कि ये वाला जो हमारे पास है मॉलिक्यूल जिससे कलाइजन हो रही है वो रेस्ट में नहीं है हमारे पास। तो अगर रेस्ट में नहीं है तो हम मीन फ्री पाथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका मतलब है यहाँ ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास टू डायमीटर वाला, ये जिस भी मॉलिक्यूल से कलाइड करेगा बॉक्स के अंदर, अब इस केस में वो रेस्ट में नहीं है, वो स्टेशनरी नहीं है, बल्कि वो भी आगे किसी ना किसी से कलाइड कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसका मतलब तो ये हुआ कि जब दो चीजें मूव कर रही हैं तो हम वहां पर कह सकते हैं कि उन दोनों की वेलोसिटी को हम रिलेटिव वेलोसिटी से मेजर करेंगे।
रिलेटिव वेलोसिटी जो दो मॉलिक्यूल्स की होती है वो एवरेज वेलोसिटी से किस तरह रिलेट करती है, अंडर रूट टू टाइम्स रिलेट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पीछे इक्वेशन 15 रेस्ट के लिए फाइंड आउट की थी उसे आप जस्ट डिवाइड कर दें अंडर रूट टू के फैक्टर पर, तो आपको मिल जाएगी कंडीशन किसके लिए, जब आपका टारगेट जो है वो स्टेशनरी नहीं होगा, तब आपको ये मीन फ्री पाथ मिल जाएगा। पिछला जो पाथ था जिसमें अंडर रूट टू का फैक्टर नहीं है, ये जो टर्म है आपके पास इक्वेशन 16 में, इसको आपने प्रूव नहीं करना, ये हमारे पास डायरेक्ट ही रहेगी। जो हमने प्रूव करना है वो ये है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ हमने स्टेशनरी टारगेट के लिए देख लिया जिसमें ये वाला जो फैक्टर था ये नहीं था। फिर हमने देखा कि जब टारगेट हमारे पास स्टेशनरी ना हो तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास ये अंडर रूट टू का फैक्टर आया, बाकी सारी चीजें कॉमन है दोनों में, 15 में भी और 17 में भी। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो जो चीजें इन इक्वेशंस में आई हैं। एक तो लैम्डा जिसको हम मीन फ्री पाथ ले रहे हैं, दूसरा हमने डायमीटर कंसीडर किया है। तो ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक होती हैं वो बहुत ज्यादा छोटी चीजें होती हैं, आंख से नजर ना आने वाली चीजें। तो ये पी और टी क्या है आपके पास, प्रेशर एंड टेम्परेचर है। ये मैक्रोस्कोपिक है मतलब आप बता सकते हैं कि आपने टेम्परेचर कितना प्रोवाइड किया है, आप बता सकते हैं कि आप कितना प्रेशर उस पर लगा रहे हैं। तो इसी आज के टॉपिक से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं। अब न्यूमेरिकल में आपने बेसिकली क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है ये मैं न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगी, लेकिन जो इसमें फार्मूलाज यूज हो रहे हैं वो वही फार्मूलाज हैं जो हमने यहाँ पीछे पढ़े हैं। तो आपने ये न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करना है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपने मुझसे लाजमी डिस्कस करना है। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल में आपके पास है पार्ट ए। पार्ट ए में हमने फाइंड आउट करना है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ किसका फाइंड आउट करना है, हमने नाइट्रोजन गैस के लिए फाइंड आउट करना है, जबकि रूम टेम्परेचर भी आपको प्रोवाइड किया गया है और प्रेशर भी आपको प्रोवाइड किया गया है। डायमीटर बताया गया है आपको ये। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो आपके पास पीछे वैल्यू आए है लैम्डा इज इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू पाई डी स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज फार्मूला आपने पुट करना है इसमें इक्वेशन ए के पार्ट ए के लिए। तो इसी जो आपका फार्मूला होगा वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा इस फर्स्ट पार्ट का। इसका जो फार्मूला है वो हमने ऊपर ड्राइव कर लिया है। अब ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें आपने फाइंड आउट करना है एवरेज कोलाइजन रेट। एवरेज कोलाइजन रेट में इन्होंने एवरेज वेलोसिटी बता दी है, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला हमने ऊपर नहीं पढ़ा। तो ये आप फाइंड आउट करेंगे वी एवरेज, ये जो वी एवरेज आपको गिवन वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा मतलब मीन फ्री पाथ जो आपने ऊपर फाइंड आउट किया है वो आप यूज करेंगे यहाँ पर मीन फ्री पाथ। तो दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पर एवरेज कोलाइजन रेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में आपके पास दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो है उसमें आपने मीन फ्री पाथ फाइंड आउट करना है, वो आपने फाइंड आउट करना है लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट टू पाई डी स्क्वायर पी, इस फॉर्मूले से यूज करते हुए आपने फाइंड आउट करना है। और दूसरा मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया कि वी एवरेज डिवाइडेड बाय लैम्डा, इस फॉर्मूले से आपने ये पार्ट बी फाइंड आउट कर लेना है। अब सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जस्ट इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करें, इसके फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करें और आंसर फाइंड आउट कर लें। तो अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन आज के लेक्चर में या इस न्यूमेरिकल में जो मैंने आपको असाइन किया है, इसके दो पार्ट्स आपने खुद कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करने हैं ए बी और बी बी। तो अगर न्यूमेरिकल में कोई कंफ्यूजन हो आपको, कोई आपको आज की कैलकुलेशन में कोई स्टेप समझ ना आया हो, कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।